तो मेरिट ऑफ, देखिए अब हम लोग स्टडी करेंगे मेरिट, मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल। हम देखिए एक्चुअल में शॉर्ट में लिखे हैं मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल। इसका मेरिट क्या था? तो देखिए एक्चुअल में मेरिट में जो फर्स्ट मेरिट है वो आपको मैंने पढ़ा दिया कि जो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कॉलम, हॉरिजेंटल कॉलम क्या कहलाए थे? ये पीरियड कहलाए थे। क्या कहलाए? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम क्या कहलाए बताइए? ये जो है ये वर्टिकल जो कॉलम थे वो ग्रुप कहलाए। क्या कहलाए? ग्रुप। तो ये फर्स्ट मेरिट हो गई इनकी। कहेंगे अरे ये मेरिट हो गई, अरे भाई ये मेरिट ही है ना। अच्छा इसके अलावा जो है सेकंड जो मेरिट था, देखिए जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ये जो पीरियड था, क्या था? पीरियड था। उन सब में क्या था? टू सीरीज था। इस सब में क्या था? टू सीरीज था। देखिए ये जो ये तीनों पीरियड था उसमें कितने सीरीज थे? टू सीरीज। तो इसको भी अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। अब मैं ये भी दिखाना चाहता हूं कि जो टू सीरीज थे उनको उन्होंने कैसे अरेंज किया था। देखिए एक्चुअल में ये जो है सपोज करिए यहां पर ए एलिमेंट है तो इस कॉर्नर पर बी एलिमेंट। देखिए अब मैं इसका एग्जांपल भी दे दूं कि सपोज करिए देखिए फर्स्ट ग्रुप में यहां पर देखिए एक्चुअल में फर्स्ट ग्रुप में यहां पोटेशियम है तो यहां कॉर्नर में कॉपर है, कॉर्नर। तो ये वन सीरीज हो गया, सेकंड सीरीज। मतलब भाई ये अलग सीरीज है, ये अलग सीरीज है, बट ये पीरियड एक ही है, पीरियड एक ही है। तो ये आपका जो है देखिए एक्चुअल में ये जो फोर्थ, तो ये देखिए ये जो है हमने जो बनाया है वो फोर्थ पीरियड की कहानी है, फोर्थ पीरियड की कहानी है। तो इस तरह से जो पीरियड था टू सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट था, ये इनका मेरिट है। चलिए और एक और बतावें जो थर्ड मेरिट, देखिए एक्चुअल में लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेंगे मतलब लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है ग्रेजुअली चेंज होती है। पीरियड में बात कर रहा हूं, नहीं तो आप ये सोचेंगे कि अभी तो बताए थे आप कि जो है एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, तो वो कॉलम में बताए थे, मतलब ये ग्रुप में मैंने बोला था। तो देखिए आप थर्ड जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए लेफ्ट टू राइट मूव करने पर देखिए क्या होता है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ग्रेजुअली चेंज होता है, ग्रेजुअली चेंज होता है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज जो है ग्रेजुअली चेंज होता है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली चेंज होता है। हमारे ख्याल से आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे ग्रेजुअली चेंज होता है। अच्छा एक बात और बता दूं, सपोज करिए कि ग्रुप में जो है, ग्रुप में जब आप डाउनवर्ड जाते हैं, ग्रुप में डाउनवर्ड तो प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ग्रुप में देखिए ध्यान दीजिए, ग्रुप में
अप टू डाउन प्रॉपर्टी जो क्या होगी, प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। तो हमारे ख्याल से आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा ये जो फोर मेरिट्स हमने बताया। तो फर्स्ट इजी है कि भाई हॉरिजॉन्टल कॉलम पीरियड और वर्टिकल ग्रुप, ठीक है। ये जो है आप यहां लिख भी सकते हैं सेवन पीरियड था और एट ग्रुप था, चलिए। और सेकंड जो आइटम है फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड को टू सीरीज में बांटा गया। देखिए ये जो फोर्थ पीरियड है उसमें ये मतलब एक सीरीज ये है, दूसरा सीरीज ये नीचे है। अब समझ गए होंगे आप, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो ग्रेजुअली जो है चेंज होती है, ठीक है। और अप टू डाउन जो प्रॉपर्टी होती है सेम होती है, बस। तो कितना इजी है। अब हम आपको अगला जो है मेरिट जो है इसका बताएंगे, जो कि आप देखिए आपको कागज और पेन लेकर के इस वीडियो को देखना चाहिए, नोट करते रहना चाहिए, चलिए ठीक है। ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, देखिए एक्चुअल में पीरियाडिक टेबल बन जाने से कलेक्टिव स्टडी पॉसिबल हो गया। कलेक्टिव इसका मतलब कलेक्टिव स्टडी पॉसिबल हो गया, समझ गए होंगे। कलेक्टिव स्टडी पॉसिबल। ये जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंडलीफ महोदय देखिए एक्चुअल में क्या किए, भाई बहुत उनके पास इतना नॉलेज था कि सपोज करिए फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है, सोचिए फ्यूचर में कोई एलिमेंट मान लीजिए डिस्कवर होने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने प्रिडिक्शन करके और स्पेस छोड़ दिया, सोचिए। और एक बात और बतावे, जो उन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि यहां पर एलिमेंट आएगा तो आया, वह एलिमेंट आया, ये चीज समझिए। तो उसके लिए अपने ये बहुत बड़ी बात है, गैप नहीं छोड़े होते। मान लीजिए वह एलिमेंट आया होता डिस्कवर जब हुआ तो उसको रखते कैसे, क्योंकि अगर उस प्लेस पर किसी दूसरे एलिमेंट को रख देते तो क्या हो जाता, एक तो उनके पीरियाडिक टेबल का ड्रॉबैक हो जाता और दूसरा जो है समझिए जब भाई उस एलिमेंट को डिस्कवर किया जाता तो उसको रखते कैसे, उसको हटाना पड़ता, तो पूरा पीरियाडिक टेबल क्या हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता। और जब पूरा पीरियाडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाता तो भाई फिर से जो है उस पर कार्यवाही शुरू होती। तो ये था मेंडलीफ, उन्होंने जो है डिस्कवर होने वाले जो फ्यूचर में एलिमेंट है उनके लिए क्या छोड़ दिया था, स्पेस, ताकि जब वे एलिमेंट डिस्कवर हो तो उनको एकोमोडेट किया जा सके। अब ऐसे कौन सा उन्होंने स्पेस छोड़ा था, तो देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है एका बोरान देखिए, और दूसरा अभी आपको क्लियर समझाऊंगा मैं, एका एल्यूमिनियम,
एका एलुमिनियम, देखिए, और थर्ड जो है एका एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, एंड जो फोर्थ था वो था एका मैग्नीज, एका मैग्नीज। अब देखिए, हम आपको तो समझ में आया नहीं होगा ये मतलब क्या है। एक्चुअल में ये जो आपका एका बोरान है, जरा ध्यान दीजिए, वहां पर उन्होंने कहा एका मतलब ये हुआ बिलो, जरा ध्यान दीजिएगा, एका का मतलब बिलो। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि बोरान के बिलो, बोरान के बिलो उन्होंने क्या कर दिया था, जगह छोड़ दिया। अब आप क्लियर समझिए, बोरान के बिलो उन्होंने जगह छोड़ दिया, और ठीक है, उन्होंने जगह तो छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि भाई बिलो बोरान एक न्यू एलिमेंट आने वाला है, और आया। और देखिए, जिसका प्रॉपर्टी जो है, समझिए, बोरान से मैच किया, सोचिए आप, सोचिए, तो वह एलिमेंट आया स्कैंडियम। वह एलिमेंट क्या आया, स्कैंडियम, आपको याद रहना, याद रखिए। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये जो एका एल्युमिनियम है, तो इसका मतलब एल्युमिनियम के बिलो, तो भाई एल्युमिनियम के बिलो उसने स्पेस छोड़ा था, तो एका एल्युमिनियम, तो बाद में वो एलिमेंट आया और वो था गैलियम। अब जिसका, अब सोच लीजिए, जिसका जो है प्रॉपर्टी मैच कर रहा था एल्युमिनियम से, सोचिए। फिर देखिए, एका सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के बिलो जो एलिमेंट आने वाला था, उसके लिए भी उन्होंने जगह छोड़ा था, और ये आया, इसको कहा गया जर्मेनियम। समझ गए हो? तो एका मैग्नीज जो है, देखिए, इसके जगह पर क्या आया, टेक्नीटियम, टेक्नीटियम, तो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है ये जो है आपका। देखिए, फिर से समझिए, एका बोरान भाई, तो इसका मतलब बोरान के बिलो क्या होगा, सोचिए, स्कैंडियम, एल्युमिनियम के बिलो गैलियम, उसके बाद सिलिकॉन के बिलो जर्मेनियम, और मैग्नीज के बिलो टेक्नीटियम, सोचिए। और ये टेक्नीटियम चाहे जो है स्कैंडियम, चाहे जर्मेनियम, गैलियम, ये सब आया, सोचिए आप। तो ये था भाई प्रिडिक्शन उनका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि देखिए, एक्चुअल में इन्होंने अपने पीरियाडिक टेबल में जो इनकरेक्ट एटॉमिक मास था, देखिए, इनकरेक्ट एटॉमिक मास था, उसको क्या किया, करेक्ट किया, क्या किया, करेक्ट किया, सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इनकरेक्ट एटॉमिक मास को करेक्ट किया, किसके बेस पर, पीरियाडिक टेबल, अपने पीरियाडिक टेबल के बेस पर इन्होंने करेक्ट किया। अब देखिए, एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल में देखिए,
बेरिलियम क्या है, बेरिलियम इसका जो है एटॉमिक मास, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका एटॉमिक मास 13.8 और जो वैलेंसी था इसका, इसका वैलेंसी जो है, देखिए वैलेंसी जो है 3 जो है लिया जाता था, वैलेंसी इसका 3 जो है लिया जाता था, और ये कब, मेंडलीफ के पहले। भाई मेंडलीफ के पहले जो है, देखिए मेंडलीफ, मेंडलीफ के जो है पहले जो है बिफोर, देखिए यहां बिफोर मैं लिख दे रहा हूं, बिफोर ये बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.8 वैलेंसी 3 माना जाता था, समझ गए होंगे। बट अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ, देखिए अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ, देखिए मेंडलीफ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वेरिलियम की जो है, वेरिलियम की जो वैलेंसी है वह 2 हुई। देखिए उन्होंने 2 जो है वेरिलियम की वैलेंसी को साबित किया और वेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट, याद कर लीजिए इक्विवेलेंट वेट जो है 4.5, तो इक्विवेलेंट वेट उन्होंने 4.5 डिसाइड किया। अब देखिए एक्चुअल में एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ठीक है। इसका मतलब एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अब देखिए एक्चुअल में इक्विवेलेंट वेट 4.5 और वैलेंसी 2, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक मास जो हुआ वो कितना हुआ, 9, कितना हुआ 9। तो ये है आपका, ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ। और आज भी बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो 9 ही है, वो क्या है, 9 ही है। तो इसका मतलब आप क्लियर समझ लीजिए कि जो बेरिलियम है, जो आपका बेरिलियम है वो क्या हुआ भाई, इसका एटॉमिक मास करेक्ट हो गया। ये भाई ये एटॉमिक मास करेक्ट नहीं था, तो अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल।